यह पाठ पर्यावरण पर केंद्रित है। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए घातक है, लेकिन इसका हमारे जीवन में इस सीमा तक प्रवेश हो चुका है कि इसके बिना दैनिक जीवन चलाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके बढ़ते हुए उपयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पर्यावरण को बचाने तथा प्रदूषण की समस्या के प्रति संवेदनशील समझ विकसित करने का इस पाठ में प्रयास किया गया है। काश्चन बालिका भ्रमणाय निर्गता परस्पर मालपन्ति रिपंचे परमिंदर परमिंदर एहि आगच्छ उपवनम प्रविशामः। परमिंदर: अरे उपवनस्य द्वारे एव प्लास्टिक स्यूतकानि क्षिपतानि इतस्ततः विकीर्णानि। कचनार: जनाः प्रमादं कुर्वन्ति प्लास्टिक पुटकेषु खाद्यवस्तूनि गृहीत्वा भक्ष्यन्ति परं तानि पुटकानि मार्गे यत्र कुत्रापि क्षिपन्ति। हिंदी अनुवाद: रिपंची: हे परमिंदर, हे परमिंदर, इधर आ, बगीचे में चलते हैं। परमिंदर: अरे बगीचे की गेट यानी द्वार पर ही फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियां इधर उधर बिखरी हैं। कचनार: लोग आलस्य करते हैं, प्लास्टिक की थैलियों में खाने योग्य पदार्थ को लेकर खाते हैं, परंतु उन थैलियों को रास्ते में जहां कहीं भी फेंक देते हैं। रोजलिन: महती इयम् समस्या, अपि प्रविशामः। रपंची: अस्तु प्रविशामः, सर्वाः उपवने प्रविशन्ति। कचनार: कुत्र उपविशामः? रिपंची: अस्मिन् काष्ठपीठे उपविशामः, सर्वाः उपविशन्ति। हिंदी अनुवाद: रोजलिन: यह बहुत बड़ी समस्या है, हम चलते हैं। रिपंची: ठीक है, चलते हैं। सभी लड़कियां बगीचे में चलती हैं। कचनार: कहाँ बैठते हैं, कहाँ बैठे? रिपंची: इस लकड़ी के बेंच पर बैठते हैं, सभी बैठती हैं। रिपंची: अपि पश्यत वयम यत्रोपविष्टः तत्र कानि वस्तूनि सन्ति। परमिंदर: आम आम, बहुनि वस्तूनि परितो विकीर्णानि। कचनार: यथा स्यूतः जलकूपी कंदुकम इत्यादीनि। हिंदी अनुवाद: रिपंची: क्या तुम लोग देख रही हो, हम सब जहाँ बैठे हैं वहाँ कौन सी वस्तुएं हैं? परमिंदर: हाँ हाँ, बहुत सी वस्तुएं चारों ओर बिखरी हैं। कचनार: जैसे थैली, पानी की बोतल, गेंद आदि। रोजलिन: हला आत्मानमपि पश्य। चिनम्मा: आम आम, पश्यामि एव, मम सविधे कंकतम कुंडलम केशबंधः घटिपट्टिका कंकणम इत्यादीनि सर्वाणि विराजन्ते। किमसि वक्तुकाम? रिपंची: इदं ध्यातव्यं यद् एतानि सर्वाणि वस्तुनि प्रायः प्लास्टिकेन निर्मितानि सन्ति। हिंदी अनुवाद: रोजलिन: हे, अपने आप को भी देखो। चिनम्मा: हाँ हाँ, देखती ही हूँ, मेरे पास कंघा, कुंडल यानी बाली, बालों का बंधन, घड़ी की पट्टी, कंगन आदि सभी कुछ है, क्या कहना चाहती हो? रिपंची: यह ध्यान देने योग्य है कि ये सारी वस्तुएं अधिकतर प्लास्टिक से बनी हुई हैं। कचनार: पूर्वम तु प्रायः कार्पासेन चर्मणा लौहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन व निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि परितः विकीर्णानि सन्ति, एतानि अल्पमूल्यानि अपि सन्ति। हिंदी अनुवाद: कचनार: पहले तो अधिकतर कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से अथवा लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही मिलती थीं। अब उसकी जगह पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं चारों ओर बिखरी हुई हैं। ये कम कीमत वाली भी हैं। चिनम्मा: अहो कलमस्तु विस्मृतः, कोऽपि एतत् अनुमातुं शक्नोति यत् एकस्मिन् कलमे कति मसियष्टयः
प्रयुज्यन्ते। हिंदी अनुवाद: चिनम्मा, अरे कलम तो याद ही नहीं रहा। कोई भी यह अनुमान कर सकता है कि एक कलम में कितनी रिफिल प्रयोग में लाई जाती हैं। परमिंदर: अनुमीयते यत् प्रत्येकं छात्रा प्रतिसप्ताहं स्वकलमे एकां मसियष्टिं पूरयति। तात्पर्यम् इदमस्ति यत् एकस्मिन्नेव वर्षे न्यूनान्यून प्रायः 50 मसियष्टयः तया प्रयुक्ताः भवन्ति। हिंदी अनुवाद: परमिंदर, अनुमान लगता है कि हर एक छात्रा प्रत्येक सप्ताह अपने कलम में एक रिफिल को डालती है। मतलब ये है कि एक ही वर्ष में कम से कम लगभग 50 रिफिल उसके द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। चिनम्मा: परम किम वयम एकस्मिन् वर्षे एकस्यैव कलमस्य प्रयोगं कुर्मः? सामूहिक स्वरः: नहीं नहीं, वर्षे तु प्रायशः बहवः कलमाः विलुप्यन्ते। रिपंची: एका छात्रा त्रिषु मासेषु एकं कलमं क्रीडाति। हिंदी अनुवाद: चिनम्मा, परंतु क्या हम एक साल में एक ही कलम का प्रयोग करते हैं? सामूहिक स्वर: नहीं नहीं, वर्ष में तो लगभग बहुत से कलम गुम हो जाते हैं या खो जाते हैं। रिपंची: एक छात्रा 3 महीनों में एक कलम खरीदती है, अर्थात एक साल में 4 कलमें खरीदती है। रोजलिन: अपरम च कलमेन सह मसियष्टिः अपि प्लास्टिकावरणे समावेश्यते। तर्हि आहत्य प्रतिवर्षम् एका छात्रा प्रायः 50 मसियष्टीनां चतुर्भिः कलमैः चतुः पञ्चाशब्दीः आवरणैः प्रयोगं करोति। हिंदी अनुवाद: रोजलिन, और दूसरी बात, कलम के साथ रिफिल भी प्लास्टिक के खोल में डाले या बने हुए होते हैं, अर्थात रखे होते हैं। तो कुल मिलाकर हर साल एक छात्रा लगभग 50 रिफिलों का 4 कलमों से 54 खोलों द्वारा प्रयोग करती है। कचनार: भवतु बहुधा प्रयुक्तस्य प्लास्टिकस्य दूरगामिनः घातकः परिणामः वयं न द्रष्टुं शक्नुमः। प्लास्टिकं कदापि न गलति, न च अपक्षीयते, यथा अन्यानि वस्तूनि विनश्य मृत्तिकायां विलीयन्ते। हिंदी अनुवाद: कचनार, ठीक है, बहुत प्रकार से प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक के दूरगामी खतरनाक परिणामों को हम देख नहीं सकते हैं। प्लास्टिक कभी भी न गलता है और न ही नष्ट होता है, जैसे दूसरी वस्तुएं नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाती हैं। चिनम्मा: प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। रिपंची: एकेन पदार्थेन अपरः पदार्थः सृज्यते अथवा विनष्टं वस्तु मृत्तिकायां मिलत्, परं प्लास्टिके इयं प्रक्रिया असंभवा एव। हिंदी अनुवाद: चिनम्मा, प्लास्टिक के मिट्टी में नष्ट न होने के कारण हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानि होती है। रिपंची: एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनता है अथवा नष्ट हुई वस्तु मिट्टी में मिल जाती है, परंतु प्लास्टिक में यह प्रक्रिया असंभव ही है। परमिंदर: कल्पयतु यदि शतम वर्षाणि यावत् प्लास्टिक निर्मितानां पदार्थानां निर्माण प्रक्रिया पृथिव्यां प्रचलिष्यति, तर्हि किं स्यात्? सर्वाः सखेदम विमृशन्ति। हिंदी अनुवाद: परमिंदर, कल्पना करो, अर्थात सोचो, यदि 100 वर्ष तक प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं के निर्माण का काम पृथ्वी पर चलेगा तो क्या होगा? सभी दुख के साथ विचार करती हैं। रोजलिन: अत्र विषादेन किम
सर्वप्रथमं तु शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः। अस्माकं प्रयासोऽपि पर्यावरणस्य रक्षणे अपेक्षितः। हिंदी अनुवाद रोजलिन, यहाँ दुख से क्या लाभ? सबसे पहले तो शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए। हमारा प्रयास भी पर्यावरण की रक्षा में आवश्यक है। शब्दार्थ लाक्षया, लाक विलुप्यन्ते, विलुप्त हो जाते हैं। अभ्यास कार्य अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत्। अभ्यास कार्य मञ्जूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। अभ्यास कार्य शब्दार्थानां मेलनं कृत्वा लिखत्। अभ्यास कार्य प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचित पदं चित्वा वाक्यपूर्ति कुरुत। सही उत्तर। अभ्यास कार्य मञ्जूषातः उचित पदं चित्वा लिखत्। अधोलिखितानां पदानां लकारं पुरुषं वचनं च लिखत्।